इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। दिल्ली से सटे गुरुग्राम के ख्वासपुर इलाके में 3 मंजिला इमारत के गिरने से एक शख्स की मौत हो गई और मलबे में 4-5 लोगों के फंसे होने की आशंका है। इस बिल्डिंग में एक कंपनी के मजदूर रहते थे। बारिश की वजह से इमारत कमजोर हो गई थी और कल शाम करीब 7 बजे ये इमारत गिर गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और राहत और बचाव का काम शुरू किया। इसके अलावा 200 पुलिस के जवान, 6 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां, 5 जेसीबी और करीब 1 दर्जन से ज्यादा एम्बुलेंस भी मौके पर भेजी गई और एक शख्स को मलबे से निकाला गया। बाकी लोगों की तलाश की जा रही है। गुरुग्राम में 3 मंजिला इमारत गिरी, लोग अंदर फंसे हैं, रेस्क्यू जारी है। साढ़े 7 बजे के आसपास ये सूचना आई थी कि फारूक नगर में जो हमारा ख्वासपुर गांव है वहां पे एक 3 मंजिला बिल्डिंग कोलैप्स हो गई है और ऐसा अंदेशा है कि यहाँ पे लेबरर्स रहते थे और काफ़ी संख्या में व्यक्ति अंदर दबे हो सकते हैं। तो उसके ये सूचना प्राप्त होते ही तुरंत पुलिस की टीम, रेवेन्यू की टीम यहाँ पहुँची, फायर ब्रिगेड्स की टीम पहुँचाई गई, मशीनरी इकट्ठी हुई, एनडीआरएफ और एसटीआरएफ से भी संपर्क साधा गया। और जैसा कि आप देख सकते हैं अभी एनडीआरएफ और एसटीआरएफ दोनों की टीमें काफ़ी देर से कार्य कर रही हैं और प्रिलिमिनरी रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि लगभग 4 या 5 ही व्यक्ति अंदर थे। हालांकि जो सही संख्या है वो तो पूरे रबल को क्लियर करने के बाद ही सही स्थिति का पता चल पाएगा। एक उसमें से रेस्क्यू किए जा चुके हैं जो अस्पताल पहुंच गए हैं, एक अभी निकाले गए हैं ये जो बताया गया है कि एक्सपायर हो गए हैं, 2 का अंदेशा अभी ये है कि अंदर ट्रैप्ड हैं और एक व्यक्ति जो अंदर थे और बच के बाहर भाग निकल सके उनको अभी एनडीआरएफ की टीम ने अपने साथ रखा हुआ है और उनकी मदद से जिस स्पॉट में उनको ये था कि वो व्यक्ति ट्रैप हो सकते हैं वहाँ पे एनडीआरएफ की टीम अभी कार्य कर रही है। मौके पर पहुंचे सिविल डिफेंस के लोगों का कहना है कि इमारत जर्जर हो चुकी थी और जैसे ही बिल्डिंग गिरी इसके मालिक वहां से भाग गए। उसके बाद जगह यहां पर तो थोड़ी एनडीआरएफ की टीम थोड़ी सी लेट आई, उसके बाद इसमें काम चालू हुआ। इसमें एक कैजुअलिटी हो चुकी है, एक सेफ निकला, उसका पैर टूट गया, वो गुड़गांव सरकारी हॉस्पिटल में एडमिट है। 2 तो निकल चुके, 2 उसमें और बता रहे हैं, 4 आदमी टोटल। हाँ जी, 4 आदमी टोटल, 3 मंजिली इमारत थी वो, बाकी इसकी हालत ठीक नहीं थी। वजह क्या बताई जा रही है? क्या सर, इधर कुछ भी नहीं कर रही, वैसे तो पक्का तो अभी तो इसका बार कल बेरा लगेगा, इसलिए तो बाकी इसमें दिक्कत ही हो आ रही है कि इसमें इसकी जो हालत थी ठीक नहीं थी इसकी। ये 3 मंजिल उठा रखी थी लेकिन इसकी मजबूती ना आई थी उसमें। हाँ, कुछ सुनने में आ रही है वो भी अब लग जाएगा, वो बिल्कुल साफ हो जाएगा, क्लियर हो जाएगी, सब कुछ हट जाएगा मलबा, तब पता चलेगा। तो जैक किसके लगा रखा था? नहीं, वो तो बिल्डिंग उठाने के लिए लगा रखा था, कैसे लगा रहा वो तो कन्फर्म नहीं है ना जी। अभी वो तो ये जो सामान हट जाएगा तब पता चलेगा, गार्ड वगैरह सब चलेगा यहाँ से, कोई नहीं यहाँ पे जो बताए इसके बारे में, असली कोई है नहीं। आज सर जैसे हुआ निकल चुके यहाँ के जो बंदे सब निकल गए थे, यहाँ कोई नहीं है, कंपनी के बंदे सब निकल गए थे यहाँ पे। जो लोग यहाँ पे अंदर थे वो मजदूर थे या? हाँ मजदूर, इसी कंपनी में काम करते थे, मजदूर थे। किस चीज़ का वेयर हाउस था ये? ये सर इसका एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का इनका सामान है, जैसे इसका ये वेयर हाउस, इसी में काम करते थे, ड्राइवर थे या मान लो कंडक्टर जो भी कुछ काम, गाड़ियों के पते वो इतना हमें बाहर नहीं। मैं बता रहा ना आपसे, जो यहाँ के जो गार्ड वगैरह थे वो सब निकल दिए यहाँ से। अच्छा। जैसे ही हादसा हुआ तो इसमें कोई बताने वाला या कुछ भी कहने वाला ही नहीं था का, जिसके बंदे फंस रहे वो थे, उन्होंने बताई भाई इतने बंदे इसमें फंसे हुए। नमस्ते, मैं हूँ मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।